अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ। हमारे डाइट एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आज हम बात करेंगे स्पिनच या पालक के बारे में। पालक जो है वो पाकिस्तान में होने वाली सब्जियों में से इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेजिटेबल्स। पूरे पाकिस्तान में हर जगह और इजीली और अब तो तकरीबन पूरा साल अवेलेबल होती है। इट इज़ अ वंडरफुल वेजिटेबल्स विद लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो अब हम आपको बताते हैं कि पालक में एक्चुअली होता क्या है। अगर आप 1 कप और 100 ग्राम्स ऑफ पालक लें तो उसमें 23 कैलोरीज हैं। इसमें 91% इसके कॉन्टेंट्स में जो है वो वाटर है। 3.6 ग्राम्स इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तकरीबन 2.9 ग्राम्स प्रोटीन्स हैं। इट इज़ रिच इन फाइबर, सो फाइबर इज़ अबाउट 2.2 ग्राम्स एंड इट इज़ वेरी लो इन फैट जो कि सिर्फ 0.4 ग्राम्स हैं। और ये जो कंपोजिशन आपको मैंने बताई है ये तकरीबन 100 ग्राम पालक के कंटेंट्स हैं। इट इज़ वंडरफुल, इट हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स जिसको हम वन बाय वन आपको बताएंगे कि आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। सो सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो पालक है इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और मैं अपनी बाकी भी कुछ वीडियोस में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताता रहा हूँ। तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ऑनगोइंग मेटाबॉलिज्म होता जा रहा है। आपकी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है जिसमें हर वक्त हज़ारों तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते जा रहे हैं। और लिवर जो है वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा सोल है केमिकल फैक्ट्री का। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बेसिकली इंजूरियस होते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो जितना लंबा एक्सपोजर इन फ्री रेडिकल्स का बॉडी टिश्यूज़ को होता है उतना ज़्यादा ये डैमेज करते हैं और आपके जिस्म में होने वाली बहुत सी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या जिसको सोजिश कहा जाता है, कैंसर्स, एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इन सब में स्लो एंड ग्रेजुअल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो कमिंग बैक टू स्पिनच या पालक, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनको बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं कर देते। इसी तरह स्पिनच के अलावा बाकी भी जितनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं उनमें काफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हम कहते हैं, वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। एंड स्पिनच इज़ वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसी वजह से ये बहुत सारे कैंसर्स को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल हो सकती है और बहुत सारी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उनको भी कम करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो नंबर वन, जिस तरह मैंने कहा कि कैंसर्स को प्रिवेंट करने में इसका काफ़ी रोल है एंड देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एविडेंस के जो ख्वातीन में रहम का कैंसर होता है या ब्रेस्ट का कैंसर है उसकी रिडक्शन में ये वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दे कैन बी हेल्पफुल। इसी तरह बॉडी के अंदर जो सोजिश वाली बीमारियाँ हैं या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जो घुटनों की बीमारी है, उसको स्लो डाउन करने में दे कैन बी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कम करने में या स्टेबल रखने के अंदर इसका काफ़ी रोल है क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रेट्स होते हैं। ये वाले जो नाइट्रेट्स हैं, आप जो लोग ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते हैं, नाइट्रेट्स एक्चुअली टैबलेट फॉर्म में भी बनाए जाते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली एक कॉमन दवाई है। तो स्पिनच के अंदर नेचुरली नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे कैन बी हेल्पफुल इन लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर। इसी तरह पालक के अंदर जो है कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम ल्यूटिन्स कहते हैं। ये जो ल्यूटिन्स हैं ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो खून की नालियाँ थिक होती हैं, जिनको जिसकी वजह से एथरोस्क्लेरोसिस होता है और जिसकी वजह से एवेंचुअली हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं, तो जो ल्यूटिन्स हैं ये खून की नालियों को थिक नहीं होने देते और एथरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकता है या नहीं होगा। इसके अलावा आपकी आँखों के लिए ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि अंदर इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम
जीजेंथिन्स कहते हैं या ल्यूटिन्स कहते हैं। ये कुछ उन केमिकल के ग्रुप से हैं जिनको हम कैरेटिनॉइड्स कहते हैं, और दीज कैरेटिनॉइड्स आर वेरी रिच इन योर आई, और जो आई का पर्दा है उसके अंदर कैरेटिनॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली ये जीजेंथिन्स और ल्यूटिन्स जो हैं, ये सनलाइट की वजह से जो डैमेज होता है आँखों को, उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी तरह एक चीज़ होती है जिसको हम मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं, तो सनलाइट से रिलेटेड आई डैमेज और मैक्यूलर डिजनरेशन, ये दोनों कॉमनेस्ट कॉज हैं ब्लाइंडनेस का इन आर कंट्री। सो एंड स्पिनच कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ जीजेंथिन्स एंड ल्यूटिन्स विच कैन एक्चुअली स्लो डाउन और प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम बात करते हैं वेट लॉस की। सो वेन एवर यू टेक लॉट ऑफ स्पिनच, इट मेक्स यू फुल, इट रिलीज योर एपिटाइट, सो यू डोंट ईट मच। उसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। सो बाई ऑल दीज मीन्स इट कैन हेल्प यू इन वेट रिडक्शन, और मोटापा अगर कम होगा तो उसके बाद बहुत से बाकी मसाइल भी जो हैं कम हो सकते हैं। उसके अलावा इट इज़ ग्रेट फॉर अ ग्लोइंग एंड अ ब्यूटिफुल स्किन, क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन सी जो है वो अच्छी अमाउंट में है। इसके अलावा इसके वाइटामिन ए, ई और के, ये भी स्पिनच के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी एंड अ ग्लोइंग स्किन। इसी तरह यंग फीमेल्स के अंदर जो एक्ने का इशू है वो बहुत कॉमन होता है, जब भी प्यूबर्टी जो पेरीप्यूबर्टल पीरियड होता है उसके अंदर यंग फीमेल या इवन मेल में भी एक्ने जो है वो बहुत कॉमन है। दैट लीड्स टू क्रैक्स इन योर स्किन, और उसकी वजह से एट टाइम्स ये क्रैक्स जो हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और फेशियल डिसफिगरमेंट भी हो जाती है। तो ये जो रिच हैं विटामिंस इन स्पिनच, एक्चुअली दैट कैन बी हेल्पफुल। और स्पिनच की एक्चुअली पेस्ट भी बनाई जा सकती है, और पेस्ट बना के यू कैन अप्लाई इट ऑन द स्किन फॉर अबाउट 20 मिनट्स एंड दैट विल बी डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन एंड दैट मेक्स योर स्किन ग्लो एंड रिच इन दीज विटामिंस। उसके बाद ये आपकी बोन हेल्थ के लिए इज़ वंडरफुल, क्योंकि स्पिनच के अंदर जो है तकरीबन 250 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है, एंड कैल्शियम एज यू नो आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह इसके अंदर विटामिन के भी जो है वो भी अच्छी मिकदार में होता है, विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ गुड एंड हेल्दी बोन्स। उसके बाद पालक के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि आपकी बॉडी के अंदर खून बनने का जो अमल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आयरन है। और आयरन ही खून के अंदर ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाती है आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। सो पीपल हु आर एनेमिक, जिनका खून कम होता है, स्पिनच कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन एंड दैट कैन हेल्प्स टू इम्प्रूव योर एनीमिया, स्पेशली जो कि आयरन डेफिशेंसी की वजह से होता है। सो इट इज़ ग्रेट फॉर दैट। उसके अलावा ये आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करती है, स्पेशली सर्टन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं या आपके जो एंट्री पॉइंट्स हैं लाइक नॉस्ट्रल, आपका सांस का रास्ता, खुराक का रास्ता, इनके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोसल बैरियर कहते हैं। अगर विटामिन ए इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑल दैट, जो कि स्पिनच में अच्छी खासी मिकदार में होता है, सो इट कैन हेल्प टू बूस्ट योर इम्यूनिटी एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। जिस तरह मैंने कहा कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में एजिंग के प्रोसेस को और जो एज रिलेटेड डैमेज होता है उसको एक्सेलरेट करते हैं, और स्पिनच के अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दैट कैन हेल्प द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन दिस डैमेज, जो कि ऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। और इस तरह यू कैन हैव अ हेल्थी लाइफ, इट इम्प्रूव्स द ब्रेन फंक्शन, और हेल्दी जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी हेल्प कर सकती है, आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव कर सकती है। सो इन समरी, स्पिनच अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान में बे इंतहा मकदार में होती है, इट इज़ अ सुपर फूड, इट हैज़ सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, एंड आई विल एडवाइज़ यू टू एक्चुअली स्टार्ट ईटिंग स्पिनच ऑन अ रेगुलर बेसिस। दूसरी बात यह है कि इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ईट इट एज रॉ, इसको बॉयल करके खा सकते हैं, इसको डिफरेंट वेजिटेबल के साथ आप मिक्स कर सकते हैं,
इसको आप चिकन मटन फिश के साथ मिक्स कर सकते हैं. सो यू हैव वैरायटी ऑफ वेज टू कुक आर अनकुक्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिनच अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ये आप ले सकते हैं. सो आई होप यू इन्जॉय द टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्पिनच. हमें अपने गाँव में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.